Hey guys, what's up? कैसे आप लोग? तुषार पहाड़े दिस साइड एंड वेलकम टू चैनल लॉजिकल गुरु जी. गाइस, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सीएस प्रोफेशनल के बच्चों के लिए है. माइंड दिस, सीएस प्रोफेशनल में जो है, ना कि वो लोग जो अभी प्रोफेशनल में आएंगे और बाकी जो फाउंडेशन वाले वगैरह उनके तो है ही नहीं. मैं बात करने वाला हूँ कुछ क्लैरिटी को लेकर जो हम लोग बात किए थे कल एक वीडियो में, जिसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट द ट्रेनिंग स्ट्रक्चर. उसमें मैंने बताया था कि कैसे कैसे अप्लीकेबिलिटी होगी. 3-4 कैटेगरी बनाई थी मैंने और मैंने सारी बातें बता दी थी. लेट मी क्लैरिफाई दिस, मैं अपनी बात से बदलने वाला नहीं हूँ. जो मैंने बोला था मैं उस बात पे फिक्स्ड हूँ. जो कल कल मैंने बातें करी सब कुछ सही है. उसमें कुछ इश्यूज है जो बच्चों के कमेंट्स आए. कल तकरीबन 200 कमेंट्स आए मेरे पुराने वीडियोस में. अच्छा, फॉर दोज पीपल हु वांट टू अंडरस्टैंड वो वीडियो कहाँ है, तो एक तो यहाँ पे आपको आई बटन मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो. नीचे भी आपको वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा. हर वो बच्चा जो एग्जीक्यूटिव में है या प्रोफेशनल में, वो बच्चा वो वीडियो देख ले. और जो बच्चा अब के बाद जो बच्चा प्रोफेशनल में है, वो बच्चा ये वीडियो देखे जिसके एक ग्रुप क्लियर हो चुका है या दो ग्रुप क्लियर हो चुका है, या ऐसों के बच्चा जो कि 3 ग्रुप दिया है दिसंबर में, क्लियर हो जाएगा. उस टाइप के लोगों के लिए, उनके लिए क्या एप्लीकेबिलिटी है. ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू, देयर आर सम स्टूडेंट्स हु कॉल्ड मी यस्टरडे आल्सो इन मॉर्निंग, मैसेजेस किए. मैं बताता हूं उनके एग्जांपल्स क्या थे. बहुत अच्छे लगे मुझे और मुझे भी थोड़ा पिटी फील होता है. मुझे पता है इसके बारे में मैंने, लेकिन कल मैंने उसके बारे में बोला नहीं, क्योंकि रूल वही है जो मैंने कल बताया. बट व्हाट दे सेड, सुनिए. लेट्स से कई बच्चे जिन्होंने दिसंबर 19 में या जून 19 में प्रोफेशनल का एक ग्रुप क्लियर कर लिया, जिन्होंने दिसंबर 19 में अब एक ग्रुप दिया हुआ है और वो अभी फेब 2020 में पास भी हो जाएंगे, और अब वो जून 20 में थर्ड ग्रुप देने वाले, जिसका रिजल्ट कब आता है, अगस्त 25 को आएगा. बराबर, मतलब ऐसे कई बच्चे हमारे इंडस्ट्री में, सीएस फील्ड में, जो इस कैटेगरी में आने वाले, जो जून 20 में एग्जाम देंगे या दिसंबर 19 में तीनों ग्रुप पास हो जाएंगे. अभी फेब में रिजल्ट आएगा उनका, फेब 2020 में 25 फेब को रिजल्ट आएगा और वो सीएस प्रोफेशनल पास हो जाएंगे और वो एक सेकेंड ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं. जो बच्चा 25 फेब को पास हो जाएगा, वो तो सर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई भी आपके पास 5 महीने ढूंढने के लिए. क्या ढूंढने के लिए? आर्टिकलशिप फॉर 1 ईयर. बराबर, मैं बात कर रहा हूं उन बच्चों की जो प्रोफेशनल में है, जिन्होंने जून में एक ग्रुप लेट से दिया होगा, दिसंबर में दिया होगा, जून 20 में एक एग्जाम देने वाले, एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीन ग्रुप, आई डोंट केयर, आप एग्जाम देने वाले हो. और आपका रिजल्ट कब आने वाला है? इस तारीख को, 25 अगस्त को. और उसके ठीक 20 दिन पहले 3 अगस्त की डेट आपको याद ही होगी, जिन्होंने मेरी कल वीडियो देखी है. मैं फिर से बोला, जिन्होंने मेरी कल वीडियो देखी नहीं है वो ये वीडियो मत देखे, पहले नीचे में जाके लिंक में जाकर पहले वो कल की वीडियो देख ले. ठीक है, 3 फरवरी 2020 को राइडलाइन बदल जाएगी और आपको एक साल का अप्लीकेबिलिटी नहीं रहेगी. मतलब केवल 20 दिन के चक्कर में आपका ये चला जाएगा. ऐसे में आंसर क्या है? ठीक है, व्हाट इज द रियलिटी? रियलिटी यही है कि जो मैंने कल बताया था वो सही है. आप 25 अगस्त को पास होने वाले हो, पर उसके 20 दिन पहले 3 अगस्त आने वाला है और उस दिन वो रूल चेंज हो जाएगा. आपको 2 साल की करनी पड़ेगी. अब व्हाट इज द कंक्लूजन, करना क्या है? ठीक है, आई स्पोक टू ICSI हेडक्वार्टर में मैंने बात की थी. वो बहुत जल्द, शायद परसों, कल परसों में एक वेबिनार लाएंगे. यहाँ पे की जो इंस्टीट्यूट के प्रोफेशनल्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो आएंगे वेबिनार में और वो आपसे डिस्कस करेंगे, रूबरू होंगे. पहले वो अपनी बातें बताएंगे आपको और आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं उनसे. तो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू टेक ह्यूज पार्ट इन दैट एंड डिस्कस विद ICSI. मैंने उनसे बात की है, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर इन लोगों के लिए, किन लोगों के लिए, जो प्रोफेशनल में है. मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो एग्जीक्यूटिव में है अभी, उनके लिए कोई रेलेवेंसी नहीं है क्योंकि वो पास अभी होंगे. उनके बाद वो प्रोफेशनल में कब जाएंगे, उनको एक साल की कब अप्लीकेबल होगी, इसका कोई संबंध ही नहीं है. ठीक है ना? एंड देर आर सो मेनी पीपल हु आर कंफ्यूजिंग अबाउट रूल 35 एंड 39. कई लोगों ने कमेंट किया, उसका कोई संबंध नहीं है यहाँ पे, क्योंकि रूल 35 और 39 के बाद में हमारा जो रूल है वो है 46BA एंड दैट विल ओवरराइड इफेक्ट. वहां लिखा हुआ है इररेस्पेक्टिव ऑफ एग्जीक्यूटिव में कभी भी आए हो या प्रोफेशनल में कभी भी आए हो, अगर आपने 6 मंथ के अंदर ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं की है, आपको नए स्ट्रक्चर में जाना पड़ेगा. वेरी सिंपल इज दैट. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन हमारा जो था, फिर से बताऊंगा. वीडियो नीचे में लिंक में दिया हुआ है, पुराना वाला जो कल का है, जिसको बहुत लोगों ने प्यार दिया है, बहुत लोगों ने देखा है, आप देखिएगा. ठीक है, और मेरा कंक्लूजन यही है, फॉर दोज पीपल हु आर इन सीएस प्रोफेशनल, प्लीज रिक्वेस्ट टू ICSI, आप ICSI से बात करिएगा. वो परसों या नरसों 2-3 दिन में वेबिनार लाएंगे एंड दे विल डिस्कस अबाउट द क्वेरीज. से पहले वो अपनी बातें बताएंगे, जो जो मैंने बताया आपको, जो मुझे समझा. अब देखो, मैं तो सिर्फ क्या कर रहा हूँ, इंटरप्रेट कर रहा हूँ. रियलिटी तो ICSI को पता है, वो बताएंगे आपको. हो सकता है वो बोले तुषार पहाड़े जो बोला वो गलत था, हो सकता है.
लेट्स सी, ठीक है ना। बट एनीवेज आप वो आपको बताएंगे कुछ बातें, और आप क्या करेंगे उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर हमारे लिए प्लीज कुछ कंसिडर करो वगैरह वगैरह, वो उसका रिप्लाई देंगे, रिप्लाई देंगे, और वो रिप्लाई जो रहेगा वो फाइनल रहेगा। आई एम ट्राइंग टू गिव यू 99% जस्टिस बिकॉज आई एम नॉट ICSI हेडक्वार्टर, मैं ICSI हेडक्वार्टर नहीं हूं, मैं लॉ मेकर नहीं हूं, मैं आपको सिर्फ इंटरप्रेट कर सकता हूं। तो मैंने जो किया, अब लॉ मेकर जो है वो खुद साक्षात आएंगे आपके साथ में, बात करेंगे और उनसे आप पूछ सकते हो सर कि थोड़ा सा बताइएगा। तो रिक्वेस्ट मैं करता हूं आपसे कि दादा इधर उधर हैबेजार मत करिए, दादा पैनिक मत होइए, आपके तो वैसे भी कुछ नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपकी बात मान ली गई तो भी आपको जो कुछ करना है अगस्त में करना है, और नहीं मानी तो भी आपको कुछ करना नहीं है, वो तो जो लिखा है वो करना ही है। सो एनी हाउ क्रिएटिंग पैनिक विल नॉट गिव ए सोल्यूशन, आप कुछ नहीं कर सकते। बेटर है कि वेट एंड वॉच करिए, और जो होगा बहुत जल्द वो आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है ना। बट येस इन टोटल दिस गाइडलाइंस आर वेरी परफेक्ट, बेस्ट है। जो समय आपको समझाया वो बिल्कुल सही था और सही है, बट लेट्स से वेल लेट्स होप फॉर दिस प्रोफेशनल पीपल, जो प्रोफेशनल में खास करके दोनों ग्रुप पास हो चुके हैं और एक ग्रुप जून 20 में देंगे और 25 अगस्त को पास होंगे, और उसके ठीक 20 दिन पहले रूल बदल जाएगा, तो वो थोड़ा सा एक ध्यान आपको रखते हुए चलना है, ठीक है ना। तो विल डिस्कस अबाउट दैट एंड लेट्स सी ICSI इस पर कुछ करके निकालता है। तो मैंने आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है, वी विल डिस्कस विद ICSI ऑफिशियल्स कि सर हम लोग उस पर कुछ कर सकते हैं क्या, और हो सकता है वही आपको बता दे अच्छे से कि नहीं आप लोगों को एग्जम्पशन है ऐसा वो बोल दे, तो वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। बट नहीं बोला तो डजंट मैटर। सो आई होप इट इज क्लियर फ्रॉम माई साइड, आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई दिस पॉइंट, जो पीपल आर पैनिकिंग कि सर हमारे लिए क्या होगा, प्रोफेशनल के लिए। मैं फिर से बोलता हूँ, एग्जीक्यूटिव फाउंडेशन इन लोगों के लिए कोई रेलेवेंसी नहीं है, इनको तो वैसे भी एप्लीकेबल कौन सा होने वाला है, नया वाला। वेरी सिंपल, वेरी क्लियर, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दोज पीपल हु आर इन प्रोफेशनल लॉ। सो आई विल साइन ऑफ नाउ, सी यू सून, एंड वीडियो को बिल्कुल ज्यादा शेयर करें सबके साथ में, एंड लाइक तो बनता ही है बॉस, इतने सारी न्यूज देते रहते हो मैं आपको उसके बारे में, ठीक है ना। सो सी यू सून, एंड बातें करेंगे जब ये ICSI का क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, सी यू।